हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी जो है कुछ सुबह के जो है 11:30 बज रहे हैं। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा लास्ट डे है यहाँ नोएडा में, उसके बाद आपको पता ही है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कुछ 10 दिनों के लिए। तो आज बहुत ज्यादा जो है बिजी होना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, पैकिंग करनी पड़ेगी, जो भी अधूरे काम है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। गाइस, आज का दिन मेरे लिए ना बिल्कुल हार्ड वर्क वाला होने वाला है, बस देखना आप लोग। बाय द वे गाइस, कल रात को भाई साहब इतने सारे मुझे प्रॉब्लम झेलने पड़े, अपना ये जो कंप्यूटर है ना, ये अपने आप ही ऑफ हो जा रहा था, क्योंकि मैंने इसे इतना ज्यादा कल रात को यूज किया एडिटिंग के लिए, पूरा गर्म हो गया था, उसके कारण अपने आप ही बंद हो जा रहा था। तो मैंने जो यहाँ पे इसका एक ग्लास था ना, वो खोल के वहां रख दिया है, उसके बाद जाके कुछ ठंडा हुआ तो चला। बाय द वे गाइस, अभी मुझे पता चला है कि मम्मी की तबीयत खराब है, अभी मैं ऊपर से छत से नीचे आया तो क्या हुआ मम्मी? बुखार आ गया। दवाई नहीं ली आपने? खा लिया दवाई। कैसे भी तबीयत कैसे खराब कर रहा है मम्मी की, हैं? तू ही परेशान करते रहता है हमेशा। और पापा जी जो आज कुकिंग कर रहे हैं, पनीर राइस पापा बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत खराब है। ये गया पनीर, बहुत दिनों के बाद बना रहे हो ना पापा खाना? मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, आज तबीयत खराब है ना तुम्हारी मम्मी की। लास्ट टाइम आपने कब बनाया था? हमको लगता है 5-6 महीने पहले बनाया था। 5-6 महीने पहले बनाया था पापा ने, आज बनाना पड़ रहा है पापा को, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है खाना बनाने। दीदी गई है वैक्सीन सेंटर, भाई उसका रोज के रोज वैक्सीन सेंटर चल रहा है, क्योंकि आजकल वैक्सीन ज्यादा लग रही है ना लोगों को। मैं कहता हूँ किसी दिन छुट्टी वुट्टी मार ले भाई, आज तो मारना चाहिए था उसे छुट्टी, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है, बट फिर भी चली गई, कोई नहीं, बट आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। पता है आजकल ना ये वाला मौसम ही चल रहा है जिसमें कि तबीयत खराब हो ही जाती है। मेरी भी 1-2 दिन पहले ऐसी हुई थी, आपको वॉइस से पता चल गया होगा, लास्ट 2 या 3 ब्लॉग देखना उसमें आपको पता चल जाएगा। पता है मौसम ना चेंज होता है, तो मौसम चेंज में ना कुछ लोग की इम्यूनिटी सिस्टम उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती है, तो इसी वजह से हो जाता है। बाय द वे आज बारिश भी हुई है बाहर बहुत, है मम्मी की हेल्प नहीं करता और परेशान करता है मम्मी को, ले तबीयत खराब हो गई मम्मी का, तुझे खाना कौन देगा? ओए देखो कबाड़ा उठाने के लिए कहाँ लेके जा रहा है, ओए इसको दे मम्मी, देखो फिर से करने लगा ये, देखना देखना कैसे करके ले जा रहा है, ओए झाड़ू लगाएगा क्या यहाँ पे? रख क्या, चल 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 रख क्या वहीं पे। तो फाइनली यहाँ पे पापा ने जो है पनीर राइस बना दिया है। भाई साहब पापा का तो मैंने पहली बार पनीर राइस खाने वाला हूँ, देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगेगा। देखने में तो गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि पापा ऐसा पनीर राइस बना देंगे, क्योंकि पापा कभी कुकिंग करते नहीं है ना, कभी कभी कर लेते हैं। अब टेस्ट करके देखते हैं। जाएगी टेस्ट कर, तबीयत ठीक हो गई मम्मी? हाँ दवा खाई हूँ तो कुछ सही है। तो अभी जो है कुछ 3 बज रहे हैं दोपहर के, और मम्मी की तबीयत ठीक हो गई, सही से रहना चाहूंगा। तो पहला बार जा रहा है मुझे छोड़ के अकेले, पहली बार? हाँ कभी नहीं जाता था। अरे थोड़े दिन की तो बात है, 8-9-10 दिन की बात। काजल तो गई भी है पापा के साथ मुझे छोड़ के, तू कभी नहीं गया है गाँव छोड़ के मुझे। इमोशनल कर रही है गाइस मम्मी, अब तो टिकट हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल जो अभी मार्केट चलते हैं, मार्केट में मुझे जो है 2-3 काम है जो कि करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना जो है भाई वन प्लस के लिए एक कनेक्टर लेना है, जिससे कि हम लोग हेडफोन उसमें कनेक्ट कर पाए। वन प्लस में ना ऐसे सीधे नहीं होता, उसके लिए कनेक्टर चाहिए, तो वो मैंने बहुत दिन से नहीं लिया था, तो मुझे लेना है, क्योंकि ट्रेन वगैरह पे गेम खेलेंगे तो बिना हेडफोन के तो काम होगा नहीं। मार्केट चल रहा है? कौन सी मार्केट जा रहा है? अरे यही तो है यार। ओए आज तो मार्केट बंद होगा ना? ये लो आज का पोपट, आज शनिवार है, मुझे पता ही नहीं था कि आज का मार्केट बंद होता है, शनिवार संडे बंद होता है यार। सब मिल जाएगा यार, वैसे मोबाइल शॉप तो खुली होंगी। आज बारिश हुई पड़ी है भाई, हर जगह कीचड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है बाइक को धुलना पड़ेगा गांव जाने से पहले, जब ही रख पाऊंगा मैं। और मार्केट तो खुली पड़ी है, दुकानें बंद है बड़ी बड़ी, बस ठेली वेलिया ना वो लग रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हमारा पोपट हो जाएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे एरिया में ना ऐसे ऐसे चीज ना मिलती नहीं है ज्यादा, बिल्कुल सिंपल सादा एरिया है, वही चीजें मिलती है जो सबको जरूरत पड़ती है, तो हमें वो कनेक्टर तो नहीं मिला। अभी मैं यहीं से जा रहा था तो इस्लाम भैया ने रोक लिया,
और ये कह रहे हैं कि आज हमारे साथ एक्सपेरिमेंट होगा। मेरे साथ क्या करोगे? ब्लीच करेंगे। ब्लीच मेरे फेस पे? हाँ, ब्लीच करेंगे बेहतरीन तरीके से, मस्त। तो कल हम जा रहे हैं ना वहीं, तो देखते हैं भैया क्या करते हैं, क्या पता मैं इसी बहाने कुछ अच्छा दिखने लगू। देखते रहिए। तो भाई गाइस इस तरीके से कुछ लगाई जा रही है उसको। सो गाइस तो मैं यहाँ पे देखो भूत बन चुका हूँ भाई साहब, डरावना लग रहा हूँ मैं। ये क्या कर दिया आपने। सो गाइस तो फाइनली पूरे आधे घंटे के बाद भैया ने जो है कर दिया, जो भी करा। मैं तो पहली बार करवाया, मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। हट जा। क्या है रे, ये क्या कर रहा है, ये क्या, कैसा लग रहा है ये, हट। बाय द वे दीदी भी आ चुकी है, दीदी आते ही पता नहीं क्या कर रही है, अपना सूट फिटिंग कर रही थी। कुछ बदलाव आ रहा है चेहरे में? ब्लीचिंग करवाया होगा। क्या करवाया? ब्लीचिंग। सो गाइस तो अभी का कुछ ऐसा सीन है कि अभी जो है रात के कुछ 8 बज रहे हैं, एंड अभी हम लोग जो है पूरी पैकिंग करने वाले हैं कल के लिए गांव जाने के लिए, क्योंकि अभी हमने पैकिंग कुछ नहीं की, सारा काम हो गया बट पैकिंग नहीं हुआ। जल्दी से कर ले पैकिंग। इसको देखो पॉपकॉर्न खाने में लग रही है और जैकी को भी खिला रही है। तो गाइस ये हमारे कुछ कपड़े हैं मेरे और दीदी के, ये सारा जो है इसके अंदर जाएगा, वो बैग भी जाएगा, उसके अंदर मैं अपना सारा कैमरा वगैरह रखूंगा, यानी अपने यूट्यूब से रिलेटेड। तो ये हैं इसके सारे के सारे, कैसे पूरा घर बसाना है वहाँ। और ये हैं मेरे, ये दो पिन्नी मेरी, तेरे ही है ना ये भाई, देख लो गाइस। इसमें दो सेट, इसमें तीन सेट और वहाँ पे तीन चार सेट। और देखो मेरे ये हैं बस, और बस ये हैं, बस काफी है। और इसके देख लो पिन्नी में यहाँ वहाँ सब। मेकअप का सामान रख लिया है? बस इतना ही है, खत्म। पहले ये बता मेकअप का सामान रख लिया? पर्स लग जा रही हूँ। पर्स में मेकअप का रख लिया होगा इसने। जैकी अपना सामान तो रख ले, इसका तो पॉपकॉर्न पे ध्यान है। तो गाइस बेसिकली मैं और दीदी जा रहे हैं, मैं जब से हम लोगों ने टिकट लिया था ट्रेन का, तो ट्रेन का सफर है। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या तुम बाइक से ले जाओगे? नहीं, ट्रेन से जाएंगे हम लोग। और ट्रेन कोई ऐसा वैसा ट्रेन नहीं भाई, बहुत घंटे बैठना पड़ेगा हमें ट्रेन पे। उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या जैकी को लेके जाओगे? भाई जैकी को ट्रेन पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये अलाउ नहीं है अपने गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस मैं और दीदी जाने वाले हैं और जल्दी आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। बाय द वे आपको तो सारे व्लॉग्स देखने को मिलता ही रहेगा। अबे जल्दी रख ले, अब देख ये बाहर निकाल रही है। पहन के नहीं जाऊंगी। कल वो पहन के जाएगी? इतनी सी बात थी पैकिंग की, और मम्मी कह रही थी कर लो जल्दी जल्दी। बाय द वे गाइस मम्मी की अभी भी तबीयत खराब है, ये ध्यान नहीं रखती मम्मी का। तो मैंने अभी सारा काम किया है किचन का, सारे कपड़े मैंने प्रेस करे हैं अभी सारे, पता है रखने में कुछ टाइम नहीं लगा, आज करके रख दो, प्रेस करके मोड़ने में ज्यादा टाइम लगा तो 3 घंटे लग गए। अभी रुक जाओ जैकी ले। भाई यार तेरा पॉपकॉर्न पे ध्यान है, दीदी को कह रहा है कि देना पॉपकॉर्न, दे ले एक एक नहीं पूरा ले। सो गाइस तो बस अपनी पैकिंग बोरी कंप्लीट हो चुकी है, अब जो है बस मुझे 2 वीडियो एडिट करनी है। टाइम जो है पूरे भाई 9 बज चुके हैं, उसके बाद सुबह भी उठना है। 8:30 बजे निकलती हूँ यहाँ से, 12 बजे की ट्रेन है। सो फिलहाल गाइस आज हम लोग जो है एडिटिंग करने वाले हैं बहुत देर तक। तो मैगी मैंने बनवा ली है दीदी से, तो मैगी खाएंगे एडिटिंग के साथ साथ। तो चलो गाइस आज के इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि हम लोग कैसे जाते हैं गांव, पूरे भाई 15 घंटे का सफर है, 15 घंटे हमें ट्रेन पे बैठना है। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आएगा, सारा हमें जाने में लगेंगे दिल्ली। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आएगा, सारा ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वाले में कैसे हम लोग जाते हैं। तो बस मिलते हैं कल सुबह, जब तक के लिए बाय बाय।